बीफ बयान के बाद हिंदूवादी संगठन के विरोध के चलते रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बिना दर्शन किए पहुंचे। रणबीर का बयान था कि उन्हें बीफ यानी कि गाय का मांस खाना पसंद है, जिसे लेकर फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रणबीर और आलिया को उज्जैन में महाकाल के दर्शन नहीं करने दिए। इसी दौरान बजरंग दल कार्यकर्ता ने CSP के साथ मारपीट की है। पुलिस ने भी कार्यकर्ता को पीटा। दरअसल बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र की सफलता की कामना लेकर मंगलवार रात 8:30 बजे उज्जैन आए, लेकिन यहां उनका विरोध हो गया। बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहले से यहां जमा थे। उनका कहना था कि जो कलाकार गोमांस खाने की बात करे उसे महाकाल के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। विवाद बढ़ा और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। एक कार्यकर्ता को पीट भी दिया गया। लाठी चार्ज में एक सदस्य घायल हुआ है। हंगामे के बाद बजरंग दल ने महाकाल थाने का घेराव किया। विवाद बढ़ते देख आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी समेत क्रू मेंबर्स कलेक्टर आशीष सिंह के बंगले पर पहुंचे। कलेक्टर की पत्नी ने फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को महाकाल के दर्शन कराए। वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को सिर्फ शिखर दर्शन ही हो सके, उन्होंने हर सिद्धि और काल भैरव के दर्शन जरूर किए। हेलो, वी आर बैक वंस अगेन विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। फर्स्टली वी आर ऑन आवर वे टू उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट राइट ऑन द ईव ऑफ आवर रिलीज। आई एम वेरी हैप्पी वी फाउंड द टाइम टू गो। आयन मेन बिफोर द मोशन पोस्टर लॉन्च। यहां बता दें कि महाकाल दर्शन के लिए मंगलवार शाम को उज्जैन आए बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बिना दर्शन के ही वापस इंदौर लौटना पड़ा। बीफ वाले बयान के विरोध में कलाकारों को काले झंडे दिखाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका, लेकिन हंगामा हो गया। इसी बीच CSP OP मिश्रा को एक कार्यकर्ता ने धक्का मार दिया, बैरिकेड्स हटाने लगा। झुमा झटकी में CSP का कॉलर फाड़ दिया, हाथ पर नाखूनों के निशान बन गए, नेम प्लेट और वर्दी के बटन टूट गए। ये देख पुलिस वालों ने कार्यकर्ता की पिटाई शुरू कर दी, तो बाकी लोगों ने इसके विरोध स्वरूप जमकर हंगामा कर दिया। कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। हम प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे। उसको जो मीडिया चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो भक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा। बजरंग दल पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं आने देंगे। काले झंडे दिखाने आए हमने, उसके अलावा हमने हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध कर। बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊं। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी होकर, मतलब ये सब बात करना। ऑफकोर्स मेरी ख्वाहिश है कि फिल्म बहुत सफल हो, हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे वो एक्चुअली अभी कहना ही नहीं है। हमसे हमारा पूरी तरीके से काम हो चुका है और बस अभी लोगों को फिल्म अच्छी लगे, लग जाए जो होगा फिल्म का और VIP आगमन की सूचना थी, इसके लिए प्रबंध लगाने के लिए हम महाकाल मंदिर उपस्थित हुए थे। निर्माली गेट के पास में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे, जिन्हें हम बैरिकेड लगा के बैरिकेड के पीछे भिजवाना चाह रहे थे। कुछ एक बजरंग दल के अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हुई थी, तो उनकी बात करते टाइम एक लड़का आया और वो बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसको समझाइश भी दी गई कि आप बैरिकेड के पीछे रहिए, लेकिन वो एकदम से झूमा और मेरे साथ झूमा झटकी भी करने लगा और स्टाफ के साथ भी झूमा झटकी की। उसी दौरान मेरे हाथ में भी चोट लग गई।